यात्रा हो जाएगी। एक बार शास्त्र जी आए हैं तो यात्रा फिर वही हो जाएगी, उनकी वजह आनी यही आने की वजह यही यात्रा। ठाकुर साहब तो नहीं आते थे लेकिन परमिशन उनकी होती थी ना, गाइड वो करते थे यात्रा को, तक्षशूल उधर से आता था, यात्रा कितनी छड़ी आती थी, छड़ी आती थी कम से कम 10-15 हज़ार बंदा छड़ी के साथ होता था। वो पहले छड़ी भद्रवाह जाती थी, भद्रवाह से इधर आती थी, जो बंदे छड़ी के साथ आते थे इस बार वो कोई नहीं आए। हर बार इतनी यात्रा होती थी कि इधर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी और हमारा भी दिल खुशी होती थी। इस बार आप देखोगे 17-18 तारीख को तो इधर रश होता था, इस बार आप देखोगे तो उससे पहले 15-16 तारीख को रश ज़्यादा था, उसके बाद 17-18 को तो था ही नहीं इधर बंदा कोई भी। अभी भी आप बाहर देखोगे कोई भी रास्ता खाली है, बिल्कुल कोई मिलेगा छड़ी। मैं बोल रहा हूँ जब से ये लड़ाई हुई है तभी से यात्रा बंद है, ठीक है, जब छड़ी की लड़ाई हुई थी तभी से यात्रा बंद है। मेरे को ये बताइए हमें कि हम तो हर बार आते हैं इधर, अगली बार भी आएंगे, ठाकुर साहब नहीं आएंगे हम तो फिर भी आएंगे, मानते हैं हम ठाकुर साहब को हैं लेकिन हम नहीं ऐसे बोलेंगे कि ठाकुर साहब की वजह से या कुछ के, वो मात्रा नहीं करूँगा। यात्रा को जो मीडिया के बीच में लोगों की झूठी अफवाह फैलाई उसकी वजह से यात्रा कम हुई है, और यात्रा मात्रा ने इस साल कम दी है तो अगले साल ज़्यादा आएगी। और हम पूछे गुरु जी को, है बोल्ड वॉइस में, तो अभी हम मौजूद हैं पाडर के शीतला माता मंदिर में जो कटरा वालों का लंगर लगा हुआ है, इस लंगर में मौजूद है। तो अभी हम जो लंगर की किस कमेटी के यहाँ पे सारे प्रधान वगैरह बैठे हुए हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रधान जी स्वागत है आपका बोल्ड वॉइस में। जय माता प्रधान जी, आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि आपको लंगर की परमिशन कब तक है? सर परमिशन तो हमारी 1 दशक थी लेकिन यात्रा नहीं है, इसकी वजह से हम भी उदास हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं, यात्रा तो है नहीं, हाँ बीच में ही जाना पड़ेगा। सर हम आपसे आपसे ही जानना चाहते हैं कितने सालों से आप यहाँ पे लंगर लगा रहे हो? हम 15 सालों से लगा रहे हैं, 15-16 साल हो गए। तो 15 सालों से, 15 सालों का आपका जो एक्सपीरियंस है उस उन सालों में कैसी यात्रा रही है और आज के बहुत अच्छी यात्रा रही। इस साल ही देखा हमने, 3 साल तो पहले कोविड की वजह से नहीं लगा लंगर, इस वजह से हम अभी इस बार आए हैं तो यात्रा बहुत काम है, वैसे ही हम बैठे रहे कोई हमारा मजा नहीं आया, ठाकुर साहब की वजह से हमारे यात्रा काम है। ये हम बताते ठाकुर जी आ जाएँ यात्रा हो जाएगी, एक बार ठाकुर जी आ जाएँ तो यात्रा फिर वही हो जाएगी, उनकी वजह आने यही आने की वजह यही है यात्रा जो है। हमने भी सुना है चिनौद में बहुत यात्रा हुई है लेकिन इधर मटेर में यात्रा बहुत कम हुई। नहीं ठाकुर साहब तो कई सालों से नहीं आ रहे हैं, उनकी सिर्फ छड़ी लेकर उनके वहाँ भद्रवाह से छड़ी आ रही थी, भद्रवाह से। तो ठाकुर साहब का जय माता दी, जब से ठाकुर साहब तो नहीं आते थे लेकिन परमिशन उनकी होती थी ना, गाइड वो करते थे यात्रा को, तक्षशूल उधर से आता था, यात्रा कितनी छड़ी आती थी, जब छड़ी आती थी कम से कम 10-15 हज़ार बंदा छड़ी के साथ होता था। वो पहले छड़ी भद्रवाह जाती थी, भद्रवाह से इधर आती थी, जो बंदे छड़ी के साथ आते थे इस बार वो कोई नहीं आए। हर बार इतनी यात्रा होती थी कि इधर पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, और हमारा भी दिल खुशी होती थी हमें दिल में कि यही सोचते थे कि अगर परमिशन हमें 5 तारीख तक है हम परमिशन के बाद जाएंगे, अगर यात्रा भी होगी हम उसके बाद जाएंगे। लेकिन इस बार आप देखोगे 17-18 तारीख को तो इधर रश होता था, इस बार आप देखोगे तो उससे पहले 15-16 तारीख को रश ज़्यादा था, उसके बाद 17-18 को तो था ही नहीं इधर बंदा कोई भी। अभी भी आप बाहर देखोगे कोई भी रास्ता खाली है, बिल्कुल कोई बंदा नहीं है, छड़ी वापस आती थी उसके साथ सारी यात्रा वापस आती थी। आप देखो अभी बाहर मिलेगा आपको कोई? कोई नहीं मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ जब से ये लड़ाई हुई है तभी से यात्रा बंद है, ठीक है, जब छड़ी की लड़ाई हुई थी तभी से यात्रा बंद है। मेरे को ये बताओ, देखो भक्ति लोगों में किसने जगाई? ठाकुर साहब ने जगाई। पहले कौन आता था इधर? ठाकुर साहब आए, पहले कितने बंदे आए? 7-8 बंदे आए, उसके बाद ही यात्रा चली ना, उन्होंने गाइड किया जब उनको लगी, उसके बाद वो नहीं आए। लेकिन त्रिशूल और छड़ी तो उधर से आती थी ना, मातारानी के हुक्म से आती थी उधर से, ये बिना पूछे यात्रा थोड़ी चलेगी जब तक उनकी परमिशन नहीं होगी। हमें ऐसा लगता है, हम नहीं बोलते कि ये कैसी चलेगी, वो मातारानी की मर्जी है, जैसे मातारानी चलाएगी वैसे ही यात्रा चलेगी, हमें इसमें कोई नहीं है, हम आए सेवा करने के लिए, यात्रा चलेगी हम बैठेंगे, हमें नहीं है ये यात्रा ठाकुर साहब चलाएं या ये संस्था वाले चलाएं या पार्टनर वाले चलाएं, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें यात्रा चाहिए, यात्रा चलेगी हम इधर रुकेंगे, जब तक यात्रा चलेगी तब तक हम इधर रुकेंगे। नहीं तो आप क्या कहना चाहते हो कि ठाकुर साहब छड़ी लेके नहीं आ रहे हैं, भद्रवाह से छड़ी नहीं आ रही है इसलिए लोगों के? नहीं हम ऐसा नहीं कहेंगे लेकिन हमें ऐसा लगता है, हम नहीं बोलेंगे ये ठाकुर साहब की वजह से यात्रा नहीं चल रही है, लेकिन जितने भी लोग हमारे पास आए ना हम भी उनसे पूछते थे क्या हुआ क्या, सबके मुंह से यही आवाज़ है, हम नहीं बोलेंगे हमें क्या, हम तो हर बार आते हैं इधर, अगली बार भी आएंगे, ठाकुर साहब नहीं आएंगे हम तो फिर भी आएंगे, मानते हैं हम ठाकुर साहब को हैं लेकिन हम नहीं ऐसे बोलेंगे कि ठाकुर साहब की वजह से है या कुछ भी है, वो मातारानी का हुक्म है, जैसे मातारानी। नहीं तो फिर यात्रा की जो भीड़ कम हुई है, इस बार यात्रा कम हुई है, इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार ये हम नहीं बोल सकते,
ये हम क्यों बोलेंगे नहीं, हमें ये ऐसा लगता है, जहाँ तक हमने भी रिपोर्टिंग किया है कि पुल का बीच में पुल का कारण रहा कि कुंडेल वाला पुल नहीं था और बीच में कुछ रास्ता खराब था, इसके कारण इसका कारण कि शायद यात्रा में कुछ गलत फहमी हुई है जिसके कई बंदों ने गलत गाइड भी किया है कि उधर फ्लड आ रहे हैं, पुल बह गए हैं या कुछ, ये भी हो सकता है इसका कारण, ये भी हो सकता है बाकी, लेकिन ये है हमारा ये है कि इस बार यात्रा नहीं चली है, बिल्कुल यात्रा, और हमें ऐसा पता चला है कि इससे ज़्यादा यात्रा भद्रवाह गई है। नहीं, आप 15 सालों से यहाँ पे लंगर दे रहे हो, तो पिछले कोरोना काल से पहले जो यात्रा चली उसमें कितनी भीड़ यहाँ पे रहती थी? काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मैं बोल रहा हूँ कि तसल्ली हो जाती थी हमें, और हमें भी मज़ा आता था सेवा करने में, हमें भी पता ही नहीं चलता था रात कब हुई सुबह कब हुई, और हमारे कारीगर भी अभी भी उनके मुँह से यही आवाज़ है कि हमें भी कोई मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि यात्रा ही नहीं है। और इसी बार हमने देखा इससे ज़्यादा यात्रा तो मिंदल गए थे हम, मिंदल में मिली थी हमें इससे ज़्यादा, उधर तो था ही नहीं, पाँव रखने की जगह नहीं थी, रूम नहीं मिल रहे थे इस बार, और इधर देखो इस बार ही हमें लगा कि इस बार इधर यात्रा नहीं है। नहीं, इतने सारे लंगर है गुलाबगढ़ में, लेकिन सबसे ज़्यादा रश कटरा वालों के लंगर में होता था, लेकिन आप ही कह रहे हो कि भीड़ नहीं है इस बार। भीड़ नहीं है, हाँ नहीं, रश पड़ा ही नहीं, आपने खुद देखा इधर कहाँ पड़ा रश, लेकिन सबसे ज़्यादा रश हमारे लंगर में ही होता था, इधर ही होता, मातारानी के लंगर में होता था, हमारा लंगर नहीं है ये मातारानी का लंगर है, और रश इधर ही होता था, और इस बार हमें रश। तो यहाँ पे और भी मौजूद हैं, विशाल जी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनका भी यहाँ पे लंगर लगता है ठोली में। विशाल जी क्या कहना चाहोगे आप? इस बार माँ भगवती की जो कृपा थी वो सब पे बनी रहे। ये जो आप देख रहे थे कि फ्लड की वजह से लोगों ने व्यायाम डाल लिया, बारिश की वजह से यहाँ पे बारिश हुई, लेकिन यात्रा को जो मीडिया के बीच में लोगों की झूठी अफवाह फैलाई उसके वजह से यात्रा कम हुई है, और यात्रा मातारानी ने इस साल कम दी है तो अगले साल ज़्यादा आएगी, और हम पूज्य गुरुजी कुलवीर सिंह ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। यहाँ जो छड़ी भद्रवाह से आती थी वो आज छड़ी राजू जैन जी ने वही छड़ी वापस लाई है, वो चल रही है यात्रा, छड़ी के साथ आज लोग कम आए हैं, लेकिन इस बार गुलाबगढ़ में कोई रश नहीं है, सभी लंगर वाले परेशान हैं, इतना राशन लाया है, इतना नुकसान हुआ लंगर वालों का, तो ये माता रानी की अपार कृपा से जो चल रहा है वो हम चला रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि यात्रा बढ़े तो हम लंगर लगा के बैठेंगे, यात्रा नहीं होगी तो हम खाने किसको खिलाएंगे। तो आपका लंगर कब बंद हो रहा था? ये हमारे प्रधान जी का जो चार दिन में कर देंगे, हमारे स्टोर में देखो वैसा का वैसा राशन नहीं पड़ा। आपका कितना परसेंट राशन जो है वो यात्रियों ने? 50% राशन नहीं लगा है, 50% राशन लगा है, 60% अंदर पड़ा है स्टोर में, देख ये कैमरा लगा है स्टोर में देख। सभी लंगर वालों का काफी नुकसान, ये हमारे कारीगर हैं, इनसे पूछो आप किसी चावल बनाते थे एक दिन में कितना राशन लगता? सर आप यहाँ पे कारीगर हो, लंगर बनाने वाले हो, तो कितना दिन का कितना लंगर लगता आपको? देखो सर, आज से 2-4 साल पहले जो राशन था ना वो अभी नहीं है, पहले हम इसी चूल्हे में 7-8 क्विंटल पड़ जाए डेली हमारा राशन लगता था चावल का, बाकी बाकी आटा और मैदा एक्स्ट्रा, बाकी खाली चावल की बार करें। अभी तो सर डेढ़ क्विंटल ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्विंटल चावल लगा, इससे ऊपर नहीं चावल लगा पार्टी का। इसका आपका कहने का मतलब है कि इतना रश कम है इस बार? हाँ जी, बहुत कम है सर। तो इन सब यात्रियों यहाँ पे लंगर वालों का भी यही कहना है कि इस बार जो माता की यात्रा की जो भीड़ रही वो बहुत कम रही, इसलिए यहाँ पे जो इनका राशन सारा बच रहा है, और कुछ 2-4 दिन के बाद ये राशन यहाँ पे जो लंगर की सुविधा थी वो बंद होने वाली है। तो अभी हम जानेंगे यहाँ पे शायद कुछ यात्री भी आए हैं जो अभी मचेल से आए हैं, जो यहाँ पे लंगर में पहुँचे अभी मचेल से दर्शन करके, माता रानी के भवन से दर्शन करके वापस आए हैं और गुलाबगढ़ में पहुँचे हैं। हम इनसे जाने की कोशिश करते हैं। भैया पैदल गए और पैदल आए? जी सर। तो कैसा रहा माता रानी के दर्शन, कैसे रहे? नहीं, दर्शन ठीक ठाक हुए। कितनी भीड़ है अभी वहाँ पे माता रानी के भवन? भीड़ तो इतनी थी नहीं जितनी होनी चाहिए, नॉर्मल, मतलब नॉर्मल है, जा रहे आ रहे बस यही है। आप पैदल गए, पैदल वापस आए, तो रास्ते का क्या हाल चाल चाहोगे? अभी जो 5 सितंबर तक यात्रा चलने वाली है, क्या कहने चाहोगे जो यात्री यहाँ पे आने वाले दर्शन? यात्री तो आए मई से, अगर इधर तक आ गए हैं तो आगे ही पहुँच जाएंगे मई से, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। यात्रा है, यात्रा बहुत अच्छी चल रही है, ये कोई दिक्कत नहीं है, लंगर भी अच्छे लगे हुए हैं, सबके अच्छे लगे हुए हैं, ये कोई बात नहीं है। दर्शन करने के लिए आए, मई से आए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। रास्ते साफ है, वैसे कोई साफ है, बारिश के कारण थोड़ी सा खराब हो गया, नहीं तो बाकी सब ठीक है। तो अभी हम आपको यहाँ के लंगर की कुछ स्टोर की तस्वीरें दिखाएंगे कि इनके पास कितना राशन बचा हुआ है। हर घर से एक एक आदमी निकले तो लाख आदमी हो जाता है। माता रानी हर घर से एक एक आदमी निकाले
तो दर्शन करने के लिए आए। हम यही कहते हैं सभी आए और कोई इनको दिक्कत नहीं होगी, सभी को हेलीपैड की सुविधा मिल जाएगी, रास्ते में कुछ नहीं है, सब ठीक है, सब ठीक है। हर घर से एक एक आदमी आए और माता रानी यही हम दुआ करते हैं कि हर घर से आदमी निकले दर्शन करने के लिए। उनका स्टोर है, आप स्टोर में देखिए कि सारा सारा राशन जो है, अभी बहुत सारा राशन यहाँ पे डंप पड़ा हुआ है। और लंगर वालों का एक कहना है कि खाने वाला कोई नहीं, हमारे पास सारा राशन बचा हुआ अभी। तो ये तस्वीरें हम आपको स्टोर की दिखा रहे हैं कि स्टोर में देखिए क्या कितना राशन अभी मौजूद है। तो सर अभी ये राशन जो बचा आपके पास, इसको कहाँ डालोगे आप, वापस ले जाओगे क्या करोगे? वापस लेंगे और क्या हर डालेंगे इधर। तो इसका आन जान का कैरेज जो आपको डबल पड़ा, डबल पड़ेगा, क्या करना है, पड़ेगा तो भाई। तो इस बार की यात्रा से आप खुश नहीं है कि भीड़ नहीं पड़ी? भीड़ नहीं हुई, हमें मजा ही नहीं आया। जैसे पहले तीन तीन लाइनें इधर लगती थी लंगर में, तीन तीन लाइनें लगती थी बाहर, आपको देखो तीन तीन लाइनें लगती थी। आज हम देख रहे हैं एक आदमी आ रहा है, दस आदमी आ रहे हैं, दस जा रहे हैं, दस आ रहे हैं, दस यही है, कोई लाइन नहीं देखी है। हमने अभी यात्रियों से भी बात की कि मचेल का रास्ता उतना खराब नहीं है, रास्ता बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यात्रियों से क्या कुछ क्या अपील करना चाहोगे? हम यात्रियों से यही अपील करते हैं, आप आते रहिए, माता रानी दर्शन दे रही है, दर्शन कीजिए, आराम से आइए, सभी आइए, सभी आइए, हर घर से आदमी आए, हर घर से निकले माता के दर्शन करे। और माता खुश है, बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए हर घर से आदमी आना चाहिए। हम ये कहते हैं कि जहाँ भी आप अभिभावक पहुँची है, हर घर से मशीन में आए, माता के दर्शन करें। और कोई परेशानी नहीं है, सब सूचते हैं, पूरी सूचना दे रहे हैं, गवर्नमेंट हमें पूरी सूचना दे रही है, कोई ऐसी बात नहीं। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन।